देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज देवभूमि के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे जो है यहाँ पर मुखातिब हुए और जो उज्ज्वल निकम है यहाँ के प्रत्याशी उत्तर मध्य मुंबई के। सर, 2 मिनट में बात करना चाहूँगा कि सर आप देवभूमि से आए हुए हैं, सर आर्थिक राजधानी में किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है? ये प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, यहाँ पर लोग सब आगे आ रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो परिवारवादी दल हैं जो आज हमारे सामने हैं, जिन्होंने एक ठगबंधन मनाया हुआ है, वो अपने परिवारों को बचाने के लिए हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, इसलिए जनता फर्क। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने UCC को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो नया जो है क्या देश में और देखने को मिलेगा? देखिए, मोदी जी ने स्वयं कहा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, तो बड़े बड़े निर्णय होंगे, देश तेजी से आगे बढ़ेगा, दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, हर प्रकार से भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल भ्रामक बातें कर रहे हैं, वो 2 तारीख तक अंतरिम जमानत पर आए हैं, उसके बाद फिर से जेल चले जाएंगे, इसलिए जो है उनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 29 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा। अंतिम सवाल सर, कि राहुल गांधी मोदी जी से संवाद करने की बात कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की बात? जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी एक पार्टी के सांसद हैं और न किसी उस पर हैं कि वो कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। उनके लिए हमारे बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पुष्कर धामी जी जो कि उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं और आज वो मुंबई में आए थे उज्ज्वल निगम के प्रचार के लिए और उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से यहां पर मुलाकात की और उनका कहना है कि इस बार भी सरकार मोदी की बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस तरह से उन्होंने अपने राज्य में UCC लागू किया था, नई शुरुआत की थी, वैसे ही इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में और भी तमाम चीज़ें हैं जो नई होंगी। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।